हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये अगेन बेस्ड है रूट वर्ड मेथड पे, जिसकी वजह से आप अच्छे से किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बड़ा छोटा और क्रिस्प वीडियो होने जा रहा है, जिसपे आपको कई सारे वर्ड्स के मीनिंग एक साथ मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला वर्ड हमने लिया है साइड, जिसका मतलब होता है टू किल या मर्डर करना। ठीक है, अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं और उनका क्या मतलब होता है आगे देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है इन्फेंटिसाइड। अब इसको तोड़ के देखिए, साइड का मतलब है किल और मर्डर, इन्फेंट यानी जो नवजात शिशु होते हैं, तो इन्फेंटिसाइड हो गया। इन्फेंट प्लस साइड मीनिंग टू किल चाइल्ड। फिर दूसरा वर्ड देखिए, उक्सोरिसाइड। उक्सोर मीन्स वाइफ और साइड माने किल करना या मर्डर करना। अ हस्बैंड हु मर्डर हिज वाइफ। तो ये वर्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकते हैं, SSC CGL में, रेलवे में, बैंक PO में, NDA CDS CPO में, CAPF में, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन बैंक PO के लिए, बैंक क्लर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा वर्ड देखिए, मेरिटिसाइड। मेरिट मीन्स हस्बैंड, सो मेरिटिसाइड हो गया अपने हस्बैंड को किल करना या मर्डर करना। पेट्रीसाइड। पेट्री मीन्स फादर। याद करने का सही तरीका देखिए, पेट्री पितृ, जैसे पितृपक्ष आता है लोगों में, पितृपक्ष होता है ना हिंदू धर्म के हिसाब से, तो वैसे ही पेट्री पितृ से जोड़ लीजिए, तो फादर से रिलेटेड हो गया, और जो खुद के फादर का मर्डर करे, किल करे, उसे पेट्रीसाइड बोला जाता है, उस एक्ट को। अ पर्सन हु मर्डर्स देयर फादर। मैट्रीसाइड मात्र से रिलेटेड है, मैट्री मीन्स मदर, सो मैट्रीसाइड मीन्स अ पर्सन हु मर्डर देयर मदर। फ्रेट्रीसाइड भ्रातृ, मतलब भाई से जुड़ा हुआ है। फ्रेट मीन्स ब्रदर, सो फ्रेट्रीसाइड मीन्स अ पर्सन हु मर्डर देयर ब्रदर। तो देखिए, आपने एक वर्ड पकड़ा था साइड। साइड वर्ड से आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड याद कर लीजिए, कर लिया है आज के दिन में। तो आइए आगे और देखते हैं ऐसे ही। एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है वॉक या मूव। अब इससे रिलेटेड जो मोस्टली वर्ड आते हैं, तीन वर्ड आप याद कर लीजिए। एम्बल यानी टू वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स्ड वे। एम्बल का मतलब मूव था, तो यहाँ से एम्बल का आ गया टू वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स्ड वे। एम्बुलेंट, वॉकिंग और मूविंग। एम्बुलेंस अ व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट, वो व्हीकल जो पेशेंट को, मरीजों को मूव कराता है एक स्थान से दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो एम्बुल वर्ड से आपने फिर तीन नए वर्ड सीख लिए। आगे आइए देखते हैं एनिम। इसका मतलब क्या होता है, लाइफ या स्प्रिट। तो अब इस वर्ड से देखिए, एनिमल, एनिम से एनिमल बना जानवर, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको याद करना बहुत आसान है। एनिमेट टू मेक अलाइव, टू मेक अलाइव मतलब ऐसा लगे जो जीवित हो, एनिमेट हो गया वो। फिर इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब हो गया और बैलेंस्ड स्प्रेड। इक्वा माने बैलेंस हो जाता है ना, इक्वल, एनिमिटी, तो वो एनिम से मिला आपका, लाइव और स्प्रेड बोला था हमने, तो ये बैलेंस स्प्रेड हो गया। तीन वर्ड आपने इस वर्ड से भी सीख लिए। आगे देखिए एंटी। एंटी वर्ड से हम क्या सीख सकते हैं, अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ, ठीक है, यानी जो अगेंस्ट हो या जो उसके विपरीत हो। तो आइए देखिए एंटीबॉडी। एंटी अगेंस्ट किसके बॉडी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक जो सेप्टिक के अगेंस्ट काम करे, यानी सेप्टिक को प्रिवेंट करे, सेप्टिक को फैलने ना दे, यानी सेप्टिक माने इन्फेक्शन को, तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। एंटी सोशल, सोशल माने सामाजिक, और जो समाज के विरुद्ध हो वो एंटी सोशल, अपोजिंग सोशल नॉर्म्स। तीन वर्ड आपने यहाँ से सीखे एंटी वर्ड से। आज के वीडियो के लिए
सिर्फ इतना ही था। आप देखिए 5 मिनट के अंदर में आप करीबन 15 से 20 वर्ड सीख गए हैं जो आप परमानेंटली याद कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी रूट वर्ड का ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा और आपको कम से कम 132 रूट वर्ड मैं ऐसे याद करा दूंगा जिससे आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि कितने वर्ड्स मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इजीली याद हो गया। आपको करना इतना है, जब भी वीडियो अपलोड हो तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। धन्यवाद।